नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा पटना। जैसे जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीति में गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। चुनाव को देखते हुए नेताओं का एक पार्टी दूसरे पार्टी में जाने का सिलसिला जारी है। राजद के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन सिंह आज जदयू में शामिल हो गए। जदयू प्रदेश कार्यालय में सांसद ललन सिंह ने राजद नेता हर्षवर्धन सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पूर्व आईपीएस सुनील कुमार ने भी जदयू में शामिल हो गए। नीतीश कुमार जी ने न्यायिक सेवा में आरक्षण देने का काम कहा थे, तो इसे ऐसे आते कि जो जब जब जहां रहता है उस तरह की बात करता है, उनकी बात पर कोई व्यक्ति की बात पर छोड़ दीजिए। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि बिहार में कोरोना के मामले में सरकार फेल है, बाढ़ के मामले में सरकार फेल है, केंद्र सरकार से कुछ नहीं किया गया और देश के सबसे झूठे व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सबसे बड़ा फेल आदमी तो तेजस्वी जी, उनको जब अंदाजे नहीं है कि बिहार में कोरोना की संख्या कहां पहुंच गई, कितना टेस्ट हो रहा है बिहार में प्रतिदिन और आज एक्टिव केस कितना है, 1,80,000 90,000 टेस्ट हो रहा है और 1,700 निकल रहा है। कौन सा इस प्रदेश की आबादी 13 करोड़ है, तो अन्य राज्यों की जो आबादी है उसके तुलना में देख लीजिए बिहार कहाँ, उनके बोल देने से होगा। अरे उनको तो मालूम है, खुद भी मालूम है कि चुनाव होना है, लगातार कह रहे हैं कि चुनाव टाल देना चाहिए। अरे भाई जो परीक्षा में विद्यार्थी पढ़ता नहीं है वही तो परीक्षा पढ़ाने का बात करता है, तो उनको तो मतलब नहीं है, उनको ही मालूम है कि चुनाव के बाद उनका गुड़िया स्तर बढ़ाएगा, तो जितना ये सब बोल बाल के बोलेंगे नहीं तो कुछ धनार्जन कहाँ से होगा। धनार्जन भी तो करना है, टिकट वट भी तो बांटना है। उन्होंने तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर इस बार सत्ता में आए तो हम आर्थिक न्याय करेंगे। अरे उनको सत्ता में आने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, वो देखते रहे। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने में कोई दिक्कत किसी को नहीं है, सबको आ जाए। सर आरजेडी के बारे में चर्चा है, आरजेडी के बारे में सर ये चर्चा है कि उसके कई विधायक आप लोग के संपर्क में, कब वो देखने को मिलेगा? वो देखते जाइए क्या क्या होता है करके। अभी अब एक बार आपको बता दे, मतलब बचा हुआ है चलाने के लिए, अभी जरूर बचा हुआ है, देखते जाइए क्या क्या होगा आगे। उनकी पार्टी में भगदड़ है, हम बस एक लाइन के कहेंगे उनकी पार्टी में भगदड़।